हाय एवरीवन दिस इज वनिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है डुगोंग कंजर्वेशन पे पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनने जा रहा है डुगोंग एक तरह का एनिमल है सी काओ इसको बोला जाता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे, पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वह आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी देखिए आप स्टडी आई क्यू ट्वेंटी कोड यूज़ करके सॉरी स्टडी ट्वेंटी कोड यूज़ करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं फ्लैट फिफ्टी परसेंट प्लस एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स लेकिन ये मंथ एंड सेल है सिर्फ थर्टी सेप्टेम्बर तक है आप कॉल करके नीचे दिए हुए नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं और इस स्लाइड पे आपको दिखेगा हमारे कोर्सेज जिन पे डिस्काउंट है सारे स्मार्ट कोर्सेज मंथ एंड सेल है सो डोंट मिस दिस चांस कमिंग बैक टू द टॉपिक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सितंबर थर्ड 2021 को क्या अनाउंस किया कि हम प्लान कर रहे हैं इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए और ये ये रिजर्व कहाँ बनने की बात की जा रही है पाक बे में जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु की वहाँ पे मैं आपको मैप आप में भी दिखाऊ दिखाऊंगी कि किस एरिया की बात हो रही है बट जस्ट थ्रिटिकली पहले जान लीजिए पाक बे साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द स्टेट स्टेट कौन सी तमिलनाडु इंडिया टुडे की देखो ये न्यूज़ है और नेक्स्ट ये रिज़र्व कितने एरिया में फैले फैलेगा 500 किलोमीटर पाक बे में जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट जो है तमिलनाडु की वहाँ पे है सेमी इनक्लोज शैलो वाटर बॉडी है पाक बे इसका वाटर डेप्थ अगर आप देखेंगे 13 मीटर्स है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये तमिलनाडु कोस्ट के पास और डुगोंग कंजर्वेशन जो ये प्लान है और ये डुगोंग स्पीशीज़ जो है ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है इस रीजन की अब हम देखते हैं पाकबे ये आपका तमिलनाडु का, तमिल का साउथ ईस्ट कोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज द पाक बे दिस इज़ श्रीलंका इन दोनों के बीच में ये एरिया है पाक बे का जहाँ पे ये रिजर्व बनाने की बात की जा रही है हो ऑन द मैप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ अब हम इस एनिमल के बारे में बात करेंगे डुगोंग्स क्या होते हैं साइंटिफिक नेम है डुगोंग डुगॉन इसको सी काओ भी कहा जाता है ये एक हर्बी वोरस मैमल है याद रखिए मैमल है हर्बी वोरस यानी ये घास पेड़ पौधे ये खाता है अब ये कितना ग्रो कर सकता है एक बार में अप टू थ्री मीटर्स लॉन्ग ग्रो कर सकता है वेट इसका थ्री हंड्रेड किलोग्राम्स तक जाता है एज अगर आप देखेंगे 65 फाइव टू सेवेंटी ईयर्स तक ये जीते हैं सी ग्रास पे ग्रेस करते हैं और सरफेस पे आते हैं पानी के ब्रीथ करने के लिए सांस लेने के लिए डुगोंग या फिर आप इसको सी काओ कह लो स्टेट एनिमल है दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेट एनिमल है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स का यूजुअली ये मैंने आपको बता दिया कितना ग्रो करते हैं वेट कितना है एक्सपैंडेड हेड अगर सर देखेंगे थोड़ा एक्सपैंडेड नज़र आएगा अपर लिप इनका ट्रंक जैसा रहता है और इनको एलिफेंट्स को इनका क्लोजेस्ट रिलेटिव कहा जाता है लेकिन अनलाइ डॉल्फिन एंड अदर सटाशिय सी काउस हैव टू नोस्ट्रल्स एंड नो डॉर्सल फिन जितने भी बाकी के फिशेज या सिटाशियंस होते हैं डॉल्फिन होते हैं उनमें एक ऊपर वाली तरफ जो बॉडी होती है उस पर एक डोर्सल फिन होता है या लास्ट में पीछे एक फिन होता है ओके okay, इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं लेकिन इस में नहीं होता सी काओ में नहीं होता और इनके दो नोस्ट्रल्स रहते हैं और नो डोर्सल फिन ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए अब ये एनिमल सी का जो है ऑलमोस्ट थर्टी कंट्रीज़ में पाया जाता है इंडिया में भी जैसे गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ पाक बे अंडेमानन निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे ये स्पीशीज़ आपको मिलेगी आई की लिस्ट पे वलरबल का स्टेटस इसको मिला है ऑन आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ ये याद रखिए कि आई ने इसको क्या स्टेटस दिया है अब इसको नुकसान क्या हो रहा है सी ग्रास हैबिटेट्स क्योंकि मैंने बताया ये हर भी वोरस एनिमल है सी ग्रास पे ये फीड करता है अगर सी ग्रास ही नहीं रहेगा तो ये क्या खाएगा तो लॉस ऑफ सी ग्रास हैबिटेट्स वाटर पोल्यूशन की वजह से कोस्टल जो कोस्ट का इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होने की वजह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी लाइफ थोड़ी टफ़ हो गई है क्योंकि ये एक स्लो मूविंग एनिमल है एक्सीडेंटल इंटैंगलमेंट का भी ये शिकार हो जाता है जिसको हम बाय कैच बोलते हैं यानी जैसे मछुआरे बाकी फिशेस को पकड़ने आते हैं नेट डालेंगे तो ये नेट में फंस जाएगा इसको कोई पकड़ना नहीं चाहेगा लेकिन फिर भी फंस जाएगा और मर जाएगा राइट तो ये एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट जो फिशेस की होती है या फिर बोट्स के साथ टकरा जाएगा ट्रॉलर्स के साथ टकरा जाएगा तो इसका विक्टिम ये बन जाता है एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो जाती है इस वजह से इंटरनेशनली डुगोंग जो है अपेंडिक्स वन ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स जिसको कहा जाता है इन एंडेंजर्ड स्पीशिज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी ट्रेड जिस तरह से इलीगल ट्रेड होती है एनिमल के पार्ट्स की प्लांट्स की राइट right? उसको साइट्स कहते हैं वहाँ पे भी इसको प्रोटेक्शन मिली है कि इसको ट्रेड करना या इस कोई भी पार्ट को ट्रेड करना बैन है प्रोहिबिटेड है अब एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर हम इसको रिजर्व बना रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये वॉलबल से कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए कॉजेस क्या हैं इसके एक्सटेंक्शन के एक तो ये वनरेबल है जैसे मैंने आपको बताया स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि इसका स्लो ब्रीडिंग रेट है रिप्रोडक्टिव रेट इसका कम है ब्रीडिंग रेट इसका कम है फिशिंग नेट्स में फंस जाता है हैबिटेट लॉस हो रहा है तो ये कुछ रीजंस हैं इसके एक्सटेंक्शन के ऑल दो इनकी उम्र काफ़ी लंबी है जैसे बताया सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स तक ये रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव रेट कम है जनरेशन टाइम काफ़ी लंबा है हर ऑफ स्प्रिंग में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइम है यानी इनकी फ़ीमेल जब तक दस से सत्रह साल के बीच में फर्स्ट काफ को वो जन्म नहीं देती यानी टेन ईयर्स लेस देन टेन में तो नहीं देंगी और अप टू सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड तक देती हैं डुगोंग पॉपुलेशन अगर हर साल कितनी इंक्रीज़ होती है पाँच परसेंट हर साल सिर्फ पाँच परसेंट और बहुत लंबा समय लगता है इनकी पॉपुलेशन को रिकवर करते हुए क्योंकि स्लो ब्रीडिंग रेट हम इसी को कहते हैं अगर ज़्यादा डेथ होने लग जाएगी इस एनिमल की और बर्थ रेट कम रहेगा तो ये इसकी पॉपुलेशन कम होगी अब इसके हैबिटेट जो कम हो रहा है वो एक मेजर रीज़न हर स्पीशीज़ के लिए है कभी प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए वाइल्ड लाइफ हो गई क्योंकि उनका हैबिटेट कम हो रहा है इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है ये पॉइंट हमेशा कनेक्टेड रखिए अब इसके हैबिटेट को क्या खतरा है एक तो नेचुरल रीजनस भी हैं ह्यूमन इंड्यूसड एक्टिविटीज भी हैं हर भी मोरस एनिमल है सी ग्रास खाता है अगर सी ग्रास नहीं रहेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी ह्यूमन एक्टिविटीज स्पीडिंग बोट्स इससे इस एनिमल इस की डेथ होती है जो मैंने आपको पहले भी कहा उसके बाद जो कोस्टल एरिया में प्लांटेशन है वो कम हो रही है क्योंकि हम कोकोनट प्लानेशन और हाई बोट ट्रैफिक जिस तरह से हो रहा है तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे इसकी पॉपुलेशन पर फ़र्क पड़ता है इसके हैबिटेट पर फ़र्क पड़ता है नेचुरल फैक्टर्स के साथ साथ सॉरी ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स के साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स साइक्लोन्स आते हैं हाई टाइडल एनर्जी स्टॉर्म्स आते हैं तूफान आते हैं इसकी वजह से सी ग्रासेस जो हैं वो उखड़ जाते हैं अप्रूट हो जाते हैं इसका हैबिटेट नहीं बचता एक्सीडेंटल एंटैगलमेंट मैंने आपको बता दिया कि फिर से ये प्रॉब्लम भी है गिल नेटिंग डायनामाइट फिशिंग ये कुछ रीजंस हैं इसकी आ, डेथ की वजह से वलरेबल होने का रीज़न है अब अगर ये हम कंजर्वेशन रिज़र्व बनाएंगे ये काम कैसे करेगा कंजर्वेशन रिज़र्व से इसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा इस वालरेबल स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाया जाएगा हम इसकी पॉपुलेशन को इस कंजर्वेशन के थ्रू रिवाइव करना चाहते हैं फिर से इंक्रीज करना चाहते हैं और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन डुगोंग्स की करना चाहते हैं तो इस, इसी रिज़र्व एरिया को उसी एरिया में इसलिए प्रपोज किया गया है स्टडीज़ बताती हैं कि इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए इसके हैबिटेट को रिस्टोर करना पड़ेगा मेडो रिस्टोरेशन सी ग्रास रिस्टोरेशन डुगोंग की डेथ जिन वजह से होती है मॉर्टलिटी जिस वजह से होती है वो तरीके जो हैं वो कम करने पड़ेंगे लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है यानी मछुआरों को भी समझाना पड़ेगा कि यार अगर आप फिश को पकड़ने के लिए जा रहे हो प्लीज ध्यान रखो कि ये न फंस जाए तभी इनकी पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म में हम रिकवर कर पाएंगे और ऑब्वियसली क्रिएटिंग अवेयरनेस तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप हमेशा इनको अलग अलग जगह पे थोड़ा चेंज करके यूज कर सकते हो इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ की जब भी हम बात करते हैं देखिए डुगोंग का एक हम भी है डुगोंग मिलता जुलता है मैनटीज से तो क्या ये रिलेटेड है इनका ऑर्डर सेम है साइरेंशिया इनका ऑर्डर रहता है यूजली uh, देखने में एक जैसे दिखते हैं बट डिफरेंसेज हैं डुगोंग सिर्फ सॉल्ट वाटर पे मिलेगा आपको मरीन लेकिन मैन man मैनेटी जो है ये फ्रेश सॉल्ट वाटर दोनों में मिलेगा देखने में भी डिफरेंट है डिफरेंस है uh, इसका थोड़ा स्नाउट रहता है मैनटी का फ्लेक्सिबल अपर लिप रहता है पैडल शेप टेप टेल है इसकी इसकी फ्लूप्ड टेल है ये ओशन फ्लोर पे डुगोंग खाता है और ये क्या आप वेजिटेबल्स खाते हैं कहीं से भी खा सकते हैं तो थोड़ा सा देखने में सेम है बट दे हैव डिफरेंसेस यहाँ पे भी आप इनके डिफरेंसेस देख सकते हैं वेट में भी डिफरेंस है और सेक्शुअल uh, मेच्योरिटी में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैनिटी है फाइव टू नाइन ईयर्स में सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है लेकिन डुगोंग फोर टू सेवेंटीन ईयर्स में मैनिटी uh, यूजली एटलांटिक ओशन में पाया जाता है और डुगोंग आपको पैसिफिक और इंडियन ओशन में मिलेगा सो so, इसको थोड़ा बहुत हम शक्ल होते हैं हम कंफ्यूज हो सकते हैं सो दैट इज वाई एम टेलिंग यू द डिफरेंस अब आपके लिए सवाल है विद रेफरेंस टू डू गंग मामल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इट इज़ हरबी वॉर मरीन एनिमल इट इज फाउंड अलॉन्ग इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडस्ड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी आई थिंक इट शुड भी इजी फॉर यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन और अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम पर भी इसको आंसर कर सकते हैं पोल होगा वहाँ पे पी डी एफ भी आपको वहीं मिलेगा सो डू पार्टिसिपेट इन द क्विज़ बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ई पे भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच